सीधा आपको लिए चलते हैं कासगंज, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं और 53 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कासगंज और यहां से जुड़े हुए इन सभी मतदाताओं को अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें आदरणीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। यहां अनेक जिलों से आप डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मेरी नजर जहां पहुंचती है उससे भी आगे मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपकी क्षमा चाहता हूं कि मुझे में आने में विलंब हो गया। आज उत्तराखंड में मेरा सुबह कार्यक्रम था और इतनी बड़ी जबरदस्त भीड़ थी, इतना बड़ा उत्साह का वातावरण था, तो मैं बोलता ही गया, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा और उसके कारण मैं लेट हो गया, तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी आप जिस प्यार के साथ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं श्रीमान योगी जी को भी अभिनंदन देता हूं कि अभी जो उन्होंने घोषणा की वो वाकई आप कल्पना कर सकते हैं भारत की एकता क्या है। लता मंगेशकर जी गोवा की बेटी, उनका पैतृक विस्तार गोवा, राम की भक्त, राम से जुड़े भजनों को अमर कर दिया, वो लता मंगेशकर जी अयोध्या में चौराहे का नाम उन पर करना, मैं समझता हूं जो भी राम मंदिर के दर्शन के लिए आएगा वो यहीं से निकलेगा तो लता मंगेशकर जी के भजन भी याद आएंगे और भारत रत्न लता मंगेशकर जी के लिए गर्व भी होगा। और दूसरा, योगी जी का जो फिल्म सिटी बनाने का सपना है, युवाओं को फिल्म जगत में अवसर मिले, इसके लिए लता मंगेशकर एकेडमी बना करके परफॉर्मेंस के लिए, गीत संगीत के लिए नई पीढ़ी को तैयार करने का काम जो किया है, योगी जी आपको, आपकी सरकार को और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके इस निर्णय के लिए। एटा, फरुखाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद और बरेली के अनेक स्थानों से भी तकनीक के माध्यम से वर्चुअली जुड़े हमारे सभी भाइयों बहनों को भी आज मैं यहां से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। यहां मेरी नौजवानों से विनती है, मैं आपकी तरफ देख करके बोलूंगा, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आगे आने की कोशिश मत कीजिए, जगह ही नहीं है, बिना कारण किसी को नुकसान हो जाएगा भैया, प्लीज आप लोग खड़े रहिए, मैं, मेरा भरपूर प्यार आपकी तरफ है, चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत इतना प्यार, इतने आशीर्वाद कासगंज के आप सभी भाइयों और बहनों का भी मैं आदर पूर्वक अभिनंदन करता हूं।
मैं तुलसीदास जी को भी नमन करता हूं। साथियों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। इसी उत्तर प्रदेश की धरती का रत्न, आज हम उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। पंडित जी ने पूरा जीवन अंत्योदय के लिए समर्पित किया, दीनहीन के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कासगंज का, और मुझे जब कासगंज आया हूं तो बाबूजी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। कल्याण सिंह जी, मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा संपर्क संबंध रहा। मुझे कल्याण सिंह जी की उंगली पकड़ करके चलने का सौभाग्य मिला है। और जब कासगंज में आया हो तो बाबूजी के प्रति कासगंज का प्यार कितना रहा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उनकी प्रेरणा से भाजपा निरंतर गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, जनता जनार्दन की सेवा में दिन रात जुटी हुई है। साथियों, कल यूपी में पहले चरण का मतदान पूरा हुआ है। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए भारी मात्रा में कमल को वोट दिया है। विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों ने जमकर के मतदान किया है। भाइयों बहनों, जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। और कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं, उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुलकर के परिवार की बात करने लग गए। योगी जी, आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। और आप देखिए, ये बात जो गौर परिवारवादी लोग हैं उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है ना, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के, आउट आउट आउट। और फिर नहीं होता है तो ये एम्पायर पे गुस्सा करता है, एम्पायर के सामने पैर पसारता है। देखा है ना आपने, इस चुनाव के पहले चरण के बाद ये लोग उसी प्रकार का भाषा वातावरण, अब ईवीएम को दोष दो, अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। लेकिन मैं इन परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि भाई, आपका डूबना तय है। अगर ईवीएम को ही गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन है, देते रहना। साथियों, मोदी और योगी जी को जो आशीर्वाद और प्यार आप दे रहे हैं उसने परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है।
कितनी कोशिश की इन लोगों ने आपको बांटने की, जाति के नाम पर अलग अलग करने की, लेकिन ये लोग पूरी तरह फेल हो गए। आपने एकता के दर्शन करा दिए, आपने नौजवानों के उज्जवल भविष्य की चिंता की। भाइयों बहनों, ये परिवारवादी महलों में जिंदगी गुजारने वालों को जमीनी सच्चाई का पता ही नहीं है। यूपी के लोगों के हित, यूपी के लोगों के लिए हम जानते हैं देश का हित सर्वोपरि है, यूपी का हित सर्वोपरि है, यूपी का विकास सर्वोपरि है, इसलिए वो कमल के निशान पर वोट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी समर्थन दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपने 5 साल तक डबल इंजन की सरकार का काम देखा है, आपने हमें परखा है। गरीब का विकास हो, गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिले, इसे हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लेकिन इन परिवारवादियों ने अपना घर अपनी तिजोरी तो भरी, लेकिन कभी गरीब की चिंता नहीं की। गरीब का जीवन आसान बने, ये लोग न पहले चाहते थे और न आज चाहते हैं। ये अफवाह फैलाने वाली प्रवृत्ति वाले परिवारवादी पूरी कोशिश कर रहे थे कि कोरोना का मुफ्त टीका गरीब परिवार को न लगे, लेकिन गरीबों की सरकार ने गरीबों की जिंदगी को सुधारने के लिए, उनके जीवन में विश्वास पैदा करने के लिए पल पल गरीबों की चिंता करने वाली इस डबल इंजन की सरकार ने उनके इस इरादों को सफल नहीं होने दिया। ये लोग गरीबों के अस्पतालों के नाम पर, स्वास्थ्य सेवा के नाम पर घोटाले करते थे, ये लंबा इतिहास आप जानते हैं। लेकिन योगी जी की सरकार ने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का जाल बिछा दिया है। मेरा सौभाग्य था, एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला था। यह हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ है जो योगी जी की सरकार में हो रहा है। इनको यह भी लगता था कि 100 साल का इतना बड़ा संकट आया है, वैश्विक महामारी कोरोना आई है, यूपी में भुखमरी फैलेगी, उस पर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। लेकिन इन लोगों को एहसास ही नहीं था कि मोदी योगी ने इनके राशन माफिया, मालूम है ना राशन माफिया, ये राशन माफिया को किनारे लगा दिया है। महामारी के इस समय में हमारी सरकार हर गरीब को पिछले कई महीनों से मुफ्त राशन दे रही है, और हमारा संकल्प रहा कि ऐसी बड़ी वैश्विक 100 साल की भयंकर बीमारी आई है, जीवन बचाना बड़े बड़े समृद्ध देशों के लिए मुश्किल हो गया था, हमने जीवन भी बचाने के लिए जी जान से मेहनत की और हमने कोशिश की कि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए। आज गरीब माताएं बहनें मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं, योगी को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके घर में कभी बच्चों को भूखा सोना नहीं पड़ा है, घर का चूल्हा कभी बंद नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, अब दिल्ली से गरीब दलित पिछड़ों के लिए निकला राशन, राशन का हर दाना उसके जो हकदार है उनके पास जाता है, राशन माफिया नहीं है, इसलिए रास्ता गरीब के घर पहुंच जाता है।
डबल इंजन की सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड की भी व्यवस्था की है और उसके कारण यूपी का जो भी परिवार अगर दूसरे राज्य में गया है उसको अब वहां भी यहां के राशन कार्ड से उसको वहां भी राशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कहीं बाहर रोजी रोटी के लिए गया है तो उसकी रोजी रोटी की चिंता मोदी करता है। भाइयों बहनों साथियों, ये आपके एक वोट की ताकत है जो गरीब का भला करती है। लेकिन मैं यूपी के लोगों को सावधान भी करना चाहता हूं, ये परिवारवादी लोग इस समय इतने बौखलाए हुए हैं कि ठान कर बैठे हैं कि गरीब के लिए चल रही सारी योजनाओं को सबसे पहले ताले लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे। क्योंकि उनको लगेगा कि अगर ये योजनाएं चालू रही तो योगी और मोदी के ही गीत लोग गाते रहेंगे और इसलिए पहला काम उसको ताला लगाने का करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, क्या आप चाहते हैं कि लोक कल्याण की योजनाएं चालू रहें? आप चाहते हैं योजनाएं चालू रहें? आप चाहते हैं गरीब को घर मिलना चाहिए? आप चाहते हैं गरीब का चूल्हा जलते रहना चाहिए? आप चाहते हैं गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा मिलनी चाहिए? आप चाहते हैं गरीब को बीमारी में दवाई के लिए व्यवस्था मिलनी चाहिए? इनके लिए ये काम ही नहीं है और इसलिए ऐसे लोगों को कभी मौका मत देना। साथियों, इस क्षेत्र के जिन गांवों को इन लोगों ने बेसहारा छोड़ दिया था उनको डबल इंजन की सरकार ने अच्छी सड़कें दी हैं, नदी पर अच्छे पुल दिए हैं। एटा में 11,000 करोड़ रुपए का बिजली प्रोजेक्ट लगा है। गन्ना, आलू, अमरूद, आम, केला जैसी अनेक फसलें उगाने वाला छोटे किसान फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में हमारे ईमानदार प्रयासों में एक नई आशा का अनुभव कर रहा है, नया विश्वास पैदा हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए का बजट कोल्ड स्टोरेज और गोदाम बनाने के लिए तय किया गया है। किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओज में छोटे किसानों को संगठित कर उनको एक्सपोर्ट के लिए फूड प्रोसेसिंग के उद्योग लगाने के लिए मदद दी जा रही है। हमारी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में पशुपालकों को, मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है, जिसके कारण उसके कम ब्याज से उसको बैंक से लोन मिल सकता है, वो अपना काम विस्तार कर सकता है और ये भी सुविधा हमने दी है। यूपी में जो बायोगैस प्लांट का नेटवर्क तैयार हो रहा है वो किसानों को आय का एक और जरिया बनेगा। भाइयों और बहनों, आपने 2017 में जिनको सबक सिखाया उनको अचानक, पहले तो उनको लगता था जो खेल खेलते ही खेलते रहेंगे, लेकिन अब उनको लगा है कि विकास की बात किए बिना कोई चारा नहीं है, इसलिए अब उनको विकास भी याद आने लगा है। ऐसे ही गौर परिवारवादियों के लिए काका हाथरसी कह गए थे। काका हाथरसी ने क्या कहा था? मन मैला तन उजला, भाषण लच्छेदार, ऊपर सत्याचार भीतर भ्रष्टाचार। विकास करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है,
खुद को खपाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि साढ़े चार साल दुनिया भर में घूमते रहो, फिरते रहो, मौज मस्ती करते रहो, गायब हो जाओ, जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं, और चुनाव के 6 महीने पहले आकर के टपक जाओ और लोगों को भड़काने के लिए कोशिश करो। लेकिन देश समझ चुका है, पहले का जमाना नहीं रहा है। भाइयों बहनों, जिनका जनता से सरोकारी नहीं हो, जिसके मन में जनता की सेवा की भावना नहीं हो, जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से बाहर देख ही नहीं सकते हो, वो यूपी का विकास कैसे करेगा? और ये बात उनको पूछनी चाहिए। आज किस यूपी वाले को गर्व नहीं होगा कि उनके मुख्यमंत्री पर कोई भी उत्तर प्रदेश का नागरिक इस बात का गर्व करेगा कि पिछले कई दशकों से चारों तरफ जब भ्रष्टाचार की बू आ रही है, सरकारों के ऊपर आरोप लगते रहे हैं, मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आपके पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है, विरोधियों ने भी कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की है। यहां पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं उन पर कैसे कैसे आरोप हैं, ये यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, जहां डर होता है, जहां अपराध होता है, जहां माफिया राज होता है, फिरौती छीना झपटी होती है, वहां विकास संभव नहीं होता है। और कानून व्यवस्था स्थापित करना एक छोटी मोटी बात नहीं है। दोस्तों, मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूं, कानून व्यवस्था के लिए कितनी मेहनत पड़ती है, सारे तंत्र को कितना सजग रहना पड़ता है, मैंने उस दुनिया से समय निकाल करके मैं आया हूं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मान लीजिए आपके पास बंगलो है, घर है, गाड़ी है, खेत है, खलिहान है, सब कुछ है, पांचों उंगली घी में है, कोई दुख नहीं है, लेकिन अगर माफियाओं की चलती है, गुंडाओं की चलती है, और जवान बेटा सुबह घर से गया है उत्साह के साथ और शाम को उसकी लाश घर पे लौट आए, कोई उसकी हत्या कर दे, तो उस घर का क्या उपयोग है, उस बंगले का क्या उपयोग है, उस व्यापार का, गाड़ी का, खेत खलिहान का कोई उपयोग है क्या? कोई उपयोग है क्या? जान प्यारी है कि नहीं है? तो गुंडागर्दी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? माफिया शाही बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये काम योगी जी ने किया है। भाइयों, आप सोचिए, आपके पास पैसे हैं, बच्चे को अच्छे स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन चूंकि बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, इसलिए फिरौती लेने वाला बच्चे को उठा करके ले जाए और फिर टेलीफोन करके पैसे मांगे। मां बाप भी सोचे कि अगर पैसे नहीं देगा और बच्चे को कहीं मार देगा तो, इसलिए पुलिस से मैं भी कंप्लेन न करे। भाइयों बहनों, क्या बच्चों की सलामती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये गुंडागिर्दी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ये काम योगी जी ने किया है तो अच्छा किया है कि नहीं किया है? ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये उत्तर प्रदेश की सेवा है कि नहीं है? ये आपकी सेवा है कि नहीं है? ये आपकी सुरक्षा है कि नहीं है? भाइयों बहनों, सुरक्षा जीवन में बहुत जरूरी होती है। भाइयों बहनों, हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज आते जाते समय नजर नीची कह रहे हैं, हर कदम पर
घबराहट हो, चुपचाप भागने की कोशिश करती हो। और आपने देखा होगा ऐसे लोग रोड के किनारे पर खड़े रह करके बेचारी को फप्तियां सुनती रहने पड़े, बहुत कुछ हमारी बेटियां सहन करती रहे, उनके मन की बेबसी, उनका आक्रोश। भाइयों बहनों, आप कल्पना सकते हैं हमारे घर में जवान बहन बेटियों के साथ ऐसा हो, वो बेटी बेचारी मुरझा जाएगी कि नहीं मुरझा जाएगी? उन बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उन बेटियों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई दुकानदार दिन रात मेहनत करके अपनी दुकान का काम फैलाए, छोटी सी दुकान बेचारा कर्ज लेकर के आया हो, मेहनत करता हो, कमाना शुरू करे, और कोई दबांग आकर के कह दे देखो हर दिन शाम को 50 रुपया मुझे पहुंचाना पड़ेगा, ये छोटा दुकानदार बेचारा कैसे घर चलाएगा, कैसे जो कर्ज लिया है चुकता करेगा? ये रंगदारी वाले लोग मुनाफे में से हिस्से ही ले जाए, अगर मुनाफे में से हिस्सा नहीं मिलता है तो पूंजी में से भी हिस्सा उठा के ले जाए, और अगर वो न दे पाए तो एक दिन आकर के दुकान को ही उठा के ले जाए। ऐसे लोग जब बैठे हैं तब साफ पर भी प्रगति नहीं होती है, उसको रोकने का काम हमारे योगी जी ने किया है। भाइयों बहनों, सूरज ढलने के बाद आप घर के से निकलने से घबराएं, बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाएं, अपने काम टालें, ये स्थिति ठीक नहीं है। अगर ट्रेन रात को किसी स्टेशन पर पहुंचे और लोग सुबह तक इंतजार करें, प्लेटफॉर्म पर बैठे रहें ताकि सलामत घर पहुंच सके, ये स्थिति उत्तर प्रदेश ने देखी थी। उत्तर प्रदेश को उससे बाहर लाने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। भाइयों, यूपी में 5 साल पहले जो इन गौर परिवारवादियों माफियावादियों ने जो माहौल बना दिया था, उसके खिलाफ योगी जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। भाइयों बहनों, जीवन में सुरक्षा ये छोटी चीज नहीं है। जहां हालत बिगड़े हुए हैं वहां दशकों दशक निकल जाते हैं, कानून राज स्थापित नहीं होता है, बहुत मेहनत पड़ती है। योगी जी ने ऐसी कठिन स्थिति में से उत्तर प्रदेश को बाहर ला करके 5 साल के भीतर भीतर कानून का राज प्रस्थापित करने में सफलता पाई है, बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं, और आगे भी इसको और पक्का करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों, योगी जी ने यूपी में सुरक्षा का जो माहौल दिया है उसने समृद्धि का नया द्वार खोल दिया है। समाज का हर वर्ग मेहनत करे, उन्नति करे, इसके लिए जो माहौल जरूरी है वो माहौल योगी जी की सरकार ने दिया है। कासगंज, एटा, फरुखाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, कन्नौज सहित इस पूरे क्षेत्र के लिए भी ये सबसे बड़ा संकट था। इन क्षेत्रों के छोटे लघु कुटीर उद्योग, हमारे व्यापारी उद्यमी साथी भी इन अपराधियों के कारण, माफियाओं के कारण परेशान रहते थे। इसलिए योगी जी की सरकार ने कानून के राज को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया और उन्होंने करके दिखाया है। गुंडे माफिया को उन्होंने खोज खोज करके जेल भेजा, उन पर कार्रवाई की। कभी कभी लोग पूछते हैं कि योगी जी जुल्म कर रहे हैं, योगी जी जुल्म कर रहे हैं। आप मुझे बताइए भैया, क्या ये माफियाओं को जेल में भेजना चाहिए कि महल में भेजना चाहिए? ये गुंडों को जेल भेजना चाहिए कि महल में भेजना चाहिए? योगी जी ने सही किया कि नहीं किया? सही किया कि नहीं किया? यही करना चाहिए ना, तभी तो सज्जन व्यक्ति जिंदगी जी सकता है। भाई, ईमानदार आदमी जो मेहनत करता है वो तभी जी सकता है। बरेली के लोग भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वर्चुअली वो भी हमारे साथ बात कर रहे हैं। बरेली को तो कैसे
बार बार दंगों की आग में झोंका गया, ये भी हमने देखा है भाइयों। पहले ये हालत थी कि लोग अपने पर्व त्योहार तक शांति से नहीं मना सकते थे, दबंग दंगा और माफिया राज को अब हमें यूपी से हमेशा के लिए बाहर कर देना है। पूरी तरह आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिए कि इस बार भी इन गौर परिवारवादियों ने ऐसे अपराधी चुनाव के मैदान में उतारे हैं जो आप लोगों से खार खाए बैठे हैं। ऐसे लोगों को वो नेता बना रहे हैं, माफियाओं को, गुंडागिरी करने वालों को ऐसे लोगों को वो नेता बनाने के लिए निकले हैं। इन अपराधियों और गुंडों को हराने के लिए आपको एकजुट होकर भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करो, ये मैं प्रार्थना करने आया हूं भाइयों बहन। ये बदले के मौके की तलाश में है, इनको कभी बदला लेने का मौका मत देना भाइयों। मैं इस क्षेत्र के नौजवानों से जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, युवाओं से खास तौर पर कहूंगा कि यूपी के बेहतर भविष्य से आपका भी भविष्य जुड़ा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है भाइयों, आपके पहले लोगों को गांव घर छोड़ के जाना पड़ा, शहरों में जाकर झुग्गी झोपड़ी में जीना पड़ा, अब मैं उत्तर प्रदेश से किसी को जाना पड़े ये स्थिति नहीं चाहता हूं। उत्तर प्रदेश ऐसा बनाना है देश भर के लोगों को उत्तर प्रदेश आने का मन कर जाए, ऐसा उत्तर प्रदेश बना रहा है। भाजपा को दिया आपका एक एक वोट यूपी की तस्वीर बदल देगा। भाइयों और बहनों, खेती और छोटे उद्योग आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है। कोरोना के इस संकट काल में डबल इंजन की सरकार ने खेती और छोटे उद्योगों के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। हमने नई नई योजनाएं लाए, कोशिश की है। दुनिया भर में हाहाकार मचाने की वजह से भाइयों बहनों, खाद की ये जो कोरोना के कारण जो सप्लाई चेन सब खत्म हो गई, डिस्टर्ब हो गई, इसके कारण खाद की, कीटनाशकों की सप्लाई भी बहुत प्रभावित हुई, कीमत भी कल्पना ही कर सकते इतनी बढ़ गई, अनेक गुना कीमत बढ़ गई है दुनिया के मार्केट में। लेकिन ये संवेदनशील सरकार है, छोटे किसानों पर बोझ ना है इसकी चिंता करने वाली सरकार है, इसलिए पूरी दुनिया में इतना बड़ा दाम बढ़ गया, हमको महंगी कीमत से बाहर से चीजें लानी पड़ी। हमने किसानों के लिए चीजें लाए, फर्टिलाइजर लाए, खाद लाए, दवाइयां लाए और किसान को बोझ नहीं पड़ने दिया। सारा बोझ सरकार ने झेला, किसान को कम पैसों में वो दिया। हमने सब्सिडी बढ़ा दी, हमने हजारों करोड़ की सब्सिडी ज्यादा कर दी। इस बजट में भी 1,00,000 करोड़ रुपया, मेरे छोटे किसान भाइयों बहनों सुनिए, 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खाद सब्सिडी के लिए हमने रखा है, ताकि अगर आगे कोई आफत आ जाए तो भी मेरे किसान को कोई मुसीबत ना आ जाए, इसका प्रबंध हमने आज अभी से किया है। छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से जो हजारों रुपए इस दौरान मिले हैं, उससे भी उनकी बहुत बड़ी मदद हुई है। छोटे किसान के लिए हर समय जब भी उसको खेती की जरूरत है, तुरंत 2,000 रुपये उसके खाते में जमा हो जाते हैं और साल में बार बार ये काम होता रहता है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया है भाइयों, और सरकार ने भी किसानों से एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की है। भाइयों और बहनों, खेती की तरह ही डबल इंजन की सरकार ने लघु उद्योगों को, एमएसएमईज को बचाने के लिए भी निरंतर प्रयास किया है, कोशिश की है। कोरोना काल में करीब करीब 2,50,000 करोड़ रुपए की मदद छोटे उद्योगों को दी गई है। 2,50,000 करोड़ रुपए छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे स्थानों पर काम करने वाले लोगों को उसके कारण बहुत बड़ी मदद मिली है,
और उसके कारण हर कारखाने में 2, 5, 7, 10, 15 लोग जो रोजी रोटी कमाते हैं उनकी रोजी रोटी को सुरक्षित किया है। एक रिपोर्ट में ये बात बहुत उभर करके आई है कि सरकार के इस प्रयास की वजह से लघु उद्योगों में कम से काम करने वाले 1.5 करोड़ लोगों का रोजगार जाने से बच गया। 1.5 करोड़ लोग यानी 1.5 करोड़ परिवार यानी करीब 6-8 करोड़ नागरिकों को की मदद मिली है। 13 लाख से ज्यादा लघु उद्योगों को हमारी सरकार ने बंद होने से बचाया है। इस संकट के काल में इतना बड़ा काम हुआ है। केंद्र सरकार की योजना की वजह से यूपी के लघु उद्यमियों को भी करीब 19,000 करोड़ रुपया मिला है, ताकि हमारे गरीब की रोजी रोटी चालू रहे, हमारे देश में उत्पादन का काम चलता रहे। साथियों, आज यूपी के लोगों के पास डबल इंजन की ऐसी सरकार है जो लोकल के लिए वोकल है। योगी जी ने जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है, आज चारों तरफ उसकी वाहवाही हो रही है। इससे हींग, चूड़ियां, कपड़े, फर्नीचर ऐसे उत्पादों को भी बहुत बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए कासगंज, एटा, फरुखाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद के लोग डबल इंजन सरकार चाहते हैं, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने एक ग्लोबल लेवल के मार्केट की संभावनाएं पैदा की है। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार ने गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ों के लिए जो सुरक्षा कवच दिया है वो पहले कभी नहीं था। हमारी सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों को 4 लाख रुपए तक के जीवन और दुर्घटना बीमा की सुविधा भी दी है। 4 लाख, भाइयों बहनों, 60 वर्ष का होने के बाद गरीब को पेंशन का सहारा मिले, इसके लिए भी हमारी सरकार ने बहुत बड़ी पेंशन योजना भी लागू की है। भाइयों बहनों, इस योजना के तहत गरीबों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा है। बुढ़ापे में गरीब को रोजी रोटी की तकलीफ न हो, इसकी व्यवस्था है। आज करोड़ों किसान, हमारे खेत मजदूर, घर में काम करने वाले, हमारे खेत में काम करने वाले साथी, रिक्शा चलाने वाले हमारे गरीब भाई बहन, टैक्सी के ड्राइवर के रूप में काम करने वाले हमारे भाई बहन, रेड़ी पटरी ठेले वाले हमारे छोटे भाई बहन, ये सारे लोग इस योजना से जुड़े हैं। और हमारा गरीब भाई वो सशक्त होगा तो वो भी गरीबी को परास्त करके रहेगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। पहली बार देश के असंगठित क्षेत्र को, करोड़ों श्रमिकों को हमने श्रम कार्ड दिया है। पहली बार देश में रेड़ी पटरी ठेले वाले साथियों को भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। स्वनिधि योजना के माध्यम से उन्हें मदद दी जा रही है। इसका बहुत बड़ा लाभ कोरोना के इस समय में यूपी के गरीबों, दलितों, पिछड़ों को भी मिला है। भाइयों बहनों, गरीबों की सरकार जब होती है तो वो इसी प्रकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मंत्र को काम करते हुए इसी रास्ते पर काम करती है। लेकिन जब घोर परिवारवादी सरकार में रहते हैं तो वो अपने परिवार से बाहर सोचते भी नहीं है, उनको कोई लेना देना ही नहीं होता। जब गौर परिवारवादी सत्ता में थे तो सड़क वही बनती थी जहां एक परिवार के लोगों का हित होता था, बिजली वही आती थी जहां एक परिवार के लोगों का चुनावी हित सजता था, नौकरियां उनको ही मिलती थी जो गौर परिवारवादियों के गुणगान करते थे। लेकिन योगी जी सरकार के लिए पूरा उत्तर प्रदेश अपना परिवार है, पूरा उत्तर प्रदेश। इसलिए बीते 5 साल में जो काम हुआ, जो विकास हुआ, पूरे यूपी में समान भाव से हुआ,
सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता से हुआ। भाइयों और बहनों, गौर परिवारवादी देश के संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा संकट है। देश को संविधान देने वाले बाबा साहब अंबेडकर जी भी, अगर वो चाहते, उनका तो कद भी बहुत ऊंचा था, नाम भी बड़ा था और समाज में उनके प्रति भक्ति भाव भी अद्भुत था। वे अगर चाहते तो वे भी अपने परिवार की एक पार्टी बना सकते थे और अपना राजनीतिक खेल खेल सकते थे, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना, अपने परिवार का नहीं, हमारे देश के कोटि कोटि दलित पीड़ित शोषित वंचितों को ही अपना परिवार माना और उनके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो जानते थे कि जब कोई पार्टी किसी परिवार के हाथों बंधक बन जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं का होता है, देश के टैलेंट का होता है। यूपी के लोगों ने तो देखा है कि कैसे पार्टी पर, उसके साधनों संसाधनों पर कब्जा करने के लिए क्या क्या किया गया। परिवारवादी कभी नहीं चाहते कि ज्यादा प्रतिभाशाली लोग खड़े हो और उन्हीं के लिए चुनौती बन जाए। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में आपको तय करना है कि परिवारवादी चाहिए कि प्रतिभाशील चाहिए। हमें परिवारवादी नहीं, हमें प्रतिभाशील लोगों को आने आना है और हमारे देश में हर घर में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है। जब ये लोग अपनी पार्टी में युवाओं को आगे नहीं आने देते तो फिर अन्य क्षेत्रों में युवाओं को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, परिवारवादी लोग हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गौर परिवारवाद की जो ये मानसिकता आजादी के बाद देश और उत्तर प्रदेश में पनपी, उसने यूपी के युवाओं की ताकत को रोक दिया, बढ़ने नहीं दिया, अरे बर्बाद कर दिया। इसलिए यूपी का विकास सीमित रहा, विकास धीमा रहा। भाजपा सरकार युवाओं की इसी ताकत को आज देश की ताकत बना रहा है। साथियों, विकास का ये सिलसिला है, विकास के इस सिलसिले को हमें मजबूत बनाना है, मजबूत करना है। यूपी को दंगों और दबंगों से हमें दूर रखना है। दंगे भी नहीं चाहिए, दबंग भी नहीं चाहिए। इसके लिए कमल के फूल पर भारी संख्या में मतदान करना भी आपका, आपको तो करना है, मतदान करना करवाना भी है। हर बूथ को बूथ की जिम्मेदारी लेनी है और इसलिए भाइयों बहनों, आप भारी संख्या में मतदान करवाएंगे। और मैं आज जो प्रथम चरण में अद्भुत भाजपा को समर्थन दिया है, उन सभी मतदाताओं का भी अभिनंदन करते हुए आपको यही कहूंगा, पहले मतदान फिर जलपान। ये उत्साह बना रहे, इसी विश्वास के साथ मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कासगंज में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। बड़ी खबर, 53 साल बाद किसी प्रधानमंत्री का कासगंज का दौरा रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए, साथ ही साथ पीएम ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने जनता को बांटने का काम किया है। विपक्षियों ने लोगों और गरीबों की फिक्र नहीं की, आज राशन हकदारों को मिलता है। ये तमाम बातें अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। तो कासगंज में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया, भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने पहुंचे। 53 साल बाद किसी प्रधानमंत्री का कासगंज का दौरा रहा, विपक्ष पर जमकर
बरसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।